अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद ईमान। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चटपटी सी स्नैक की रेसिपी जिसको पोटैटो एंड चीज बॉल्स कहते हैं। ये मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मेरी बेटियों को ये चाय के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसे वैसे तो चाय के साथ सर्व करें, शाम की चाय के साथ, या आपके घर में कोई टी पार्टी है, कोई मेहमान आ जाए एकदम से, तो उनको भी सर्व किया जा सकता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, अमेजिंग टेस्ट है और ये घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से जल्दी बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पोटैटोस। ये 5 पोटैटोस हैं जिनको मैंने बॉईल करके, मैश करके, ठंडा करके रख दिया है। और इसके अलावा आपको चाहिए होंगे मसाले कुछ, जिसमें है नमक हसबे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच। मैंने यहाँ 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, लेकिन ये दोनों आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक काट दिया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, वो चाहिए होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया और पुदीना बहुत थोड़ा सा, ये चाहिए होगा हमें। हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, ये तकरीबन 1 कप है, क्योंकि इसमें से हमें थोड़ा पोटैटो मिक्सचर में भी डालना है और बाकी हमें कोटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पोटैटो बॉल्स बना रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप ब्रेड क्रम्स ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। और ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, स्टार ऑफ द शो, चीज़। ये श्रेडेड चीज़ है 1 कप के करीब, ये जाएगा। ये मैंने पोटैटोस बॉईल करके, मैश करके जो रखे हुए हैं, इनमें ये मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी। पहले मैं सारे मसाले डालूंगी इसमें। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पोटैटोस हैं आप उनको 1 दिन पहले बॉईल करके, मैश करके ठंडा कर दें और फिर उसे दूसरे दिन इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस दिन आप इसे बॉईल करेंगे, गर्मा गर्म इस्तेमाल करना चाहेंगे, या जब ये रूम टेम्परेचर पे होंगे तब इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपको ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और फिर आपको पता है ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डालने से जो एक्चुअल फ्लेवर है आलूओं का, चीज़ का, मसालों का, वो अल्टर हो जाता है और हमें वो नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं डालने जा रही हूँ प्याज। मेरे ख्याल से इतनी प्याज काफी होगी। मैंने प्याज डाल दिया है, इसमें मैं डालूंगी चीज। चीज तो हर किसी को ही पसंद होता है और जितना चीज डाला जाए वो कम ही रहता है। जिनको चीज बहुत ज्यादा पसंद है वो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट सी क्वांटिटी है आलूओं में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाता है। और ये मैं डाल रही हूँ आप हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इनको अच्छे से मैश कर लें, मिक्स कर लें इनको,
खानों में। अच्छा, अब मैंने मेरे हाथ धोए हुए हैं, तो प्लीज़ अपने हाथ अच्छे से धोकर फिर इसे मैश करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इनको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिला लूँगी। याद रहे, मैंने थोड़े से प्याज बचा लिए हैं, मैं देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इनमें और प्याज डालूँगी। ये देखिए, मेरा मिक्सचर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मुझे इसमें डालना है ब्रेड क्रम्स। मिक्सचर मेरा इतना ड्राई है कि मुझे हार्डली ब्रेड क्रम्स 1/4 कप के करीब ही डालना पड़ेगा, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आलूओं को बहुत अच्छे से ठंडा कर दिया था। मैंने इनफैक्ट कल शाम में बॉईल करके ठंडा करके इनको रख दिए थे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जब, और ये नए तरीके से हैं, यू नो, ये नॉर्मल चीज पोटैटो चीज़ बॉल्स वैसे भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी आगे, हम जब जैसे जैसे स्टेप्स करेंगे आपको बताती जाऊंगी मैं कि ये क्यों डिफरेंट है और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि बस बंदा दिल करता है शाम की चाय हो, बारिश का मौसम हो या कुछ, ये ज़रूर बने। और बेस्ट पार्ट है, आप इसको बनाकर जब भी आपके पास वक्त हो, घर में खाना ना पकाना हो, किसी वजह से खाना बच गया है, आपने वही चलाना है दोपहर में, आपके पास बहुत टाइम है इस वक्त एट हैंड, बच्चे स्कूल गए हुए हों और आपने कुछ प्रिपेयर करके फ्रीज़र में, फ्रीज़र आइटम की तरीके आप इसे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं बनाकर। ये देखें, मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में खुद बनाए थे, ये घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं घर की चीज़ें इस्तेमाल करूँ और मैं बाहर से कुछ भी ना लूँ। बहुत कम जो घर में चीज़ें नहीं बन सकती, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो घर में नहीं पीस सकते, वरना मैं ज़्यादातर मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये सब घर में ही पीसती हूँ और मैं बाहर की चीज़ें कोशिश करके कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं आपको इसके बाद वाला स्टेप बताती हूँ, इसके बाद और क्या करना है। ये सारे मिक्सचर्स का जल्दी जल्दी बॉल्स बना लूँगी ताकि फिर मैं आपको बता सकूँ कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा। ये देखिए, हमने थोड़ा सा बैटर लिया और इसको हमने अपने दोनों हाथों की मदद से कुछ इस तरह रोल करना है कि वो एक बॉल की शेप ले ले, इस तरह। ये इस तरह करके आप प्लेट में रखते जाएं, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी ये बन जाते हैं। ये देखिए, हल्के हाथों से आपने बस इसे गोल घुमाना है और ये आपके पोटैटो बॉल्स बन के तैयार हो जाते हैं। एक और बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये बन गया, आपने इसे प्लेट में रख दिया। एक और देखिए, थोड़ा सा बैटर लेना है आपने अपने हाथों में। इस आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस
भी साइज के बॉल्स चाहिए, आप उसके हिसाब से बैटर लें अपने हाथों में और उसको अपने हथेलियों के बीच में रोल करें हल्के हाथों से ताकि वो एक बॉल की सूरत ले लें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह मैं सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जी मैंने ये सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब अगले स्टेप की जाने पड़ते हैं। इसमें है मेरे पास कुछ बचे हुए ब्रेड क्रम्स जो मैंने एक कप में से बचा दिए थे। 1/4 कप मैंने मैश पोटैटोज में डाले थे, बाकी इस प्लेट में है। इसमें कुछ ट्विस्ट के लिए हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि ये हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये नॉर्मल पोटैटो चीज़ बॉल्स नहीं है, हम इसको कुछ ट्विस्ट देंगे, ट्विस्ट ये रहा। इसमें हम डालेंगे नमक हसबे ज़रूरत। ये मेरे पास कुछ ड्राइड इटालियन हर्ब्स हैं, ये है थाइम आधी चम्मच, ये है बेजल आधी चम्मच, ये है ऑरिगेनो आधी चम्मच और ये है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स। ये मैं सब इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये सारे हर्ब्स ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ब्रेड क्रम्स के अंदर रेड चिली फ्लेक्स, फिर थोड़ा अनियन पाउडर, लहसुन का पाउडर और आप थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर वगैरह डालकर मिक्स करके फिर इसे रोल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास थोड़ा सा ग्रेटेड पार्मेसन, ये भी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये ग्रेटेड पार्मेसन और टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये सब डाल के आपने इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये सारे हर्ब्स वगैरह ये ब्रेड क्रम्स में आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। ये मेरे ब्रेड क्रम्स में ये मेरे सारे हर्ब्स और मेरी स्पाइसेस मिक्स हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि नमक हसबे ज़रूरत हसबे जायका है, मगर उससे कम आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स में ऑलरेडी रोटियों में नमक होता है, तो इसलिए इसमें नमक ऑलरेडी मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा ना डालिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएंगे। इसके अलावा ये मेरे पास 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर है। कॉर्नफ्लावर में मुझे इसकी स्लरी बनानी है, इसलिए मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है जो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये एक अच्छी स्मूथ स्लरी बन जाए, इसकी ऐसा एक पेस्ट हो जाए जिसमें मुझे चीज़ बॉल्स रैप करने में प्रॉब्लम ना हो। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अच्छी एक कंसिस्टेंसी की स्लरी बन जाए। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, कोई लम्स नहीं है, कुछ गुठलियाँ नहीं है इसमें। ये मेरी स्लरी एकदम तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर एट टाइम्स नीचे बैठ जाता है और वो चिपकने लगता है। ये देख रहे हैं आप, ऐसी स्लरी चाहिए हमें, बिल्कुल ऐसी। अब मेरी स्लरी तैयार है और मेरा चीज बॉल्स हैं जो मैंने अभी बनाए थे आप लोगों के सामने, पहले मैं इसे स्लरी में डिप करूंगी।
अच्छे से इसके इसे स्लरी में कोट करें आप, और फिर इसे आप ब्रेड क्रम्स में कोट करें। हल्के हाथों से मगर दबा दबा के ब्रेड क्रम्स लगाइए ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए ब्रेड क्रम्स में। और फिर इसे एक प्लेट में निकाल दें। ये देखें, ये कोट करने के बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स में किया जो हल्के हाथों से एकदम मगर दबा दबा के, ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम्स हर जगह पे लग जाएं। बढ़िया, ये स्लरी में इसी तरह मैं अपने सारे ब्रेड पोटैटो चीज़ बॉल्स को बारी बारी स्लरी और ब्रेड क्रम्स में रोल करूंगी और इन्हें फ्रीज करने रख दूंगी। और फ्रीज होने के बाद ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। फ्रीज करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे अपने फ्रीजर में फ्रिज के टॉप कंपार्टमेंट में रखना होगा, जिससे ये फ्रीज होके इस तरह हो जाएंगे। फ्रीज होने के बाद आप इन्हें किसी भी ज़िपलॉक बैग में डालकर स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक्स के ज़रिए आपके फीडबैक मुझे कमेंट्स में मेरे ज़रूर बताइएगा कि आपके चीज़ बॉल्स कैसे बने। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। आप के घर में ये उतने ही फेमस होंगे जितने ये मेरे घर में पॉपुलर हैं। और जब तक अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मसूर की दाल जो तकरीबन 8 से 9 घंटे भिगी हुई हो, मैंने ये ओवरनाइट भिगो के रखी थी और अब मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज, कटे हुए, बारीक कटे हुए, स्लाइस किए हुए मीडियम प्याज है ये 4 से 5 के करीब। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4 भी ले सकते हैं और 5 भी। मैंने ये छोटे, मेरे पास टमाटर थे तो मैंने ये 4 छोटे टमाटर चॉप किए हुए रखे हुए हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा पानी जैसा है, क्योंकि मैं जैसे आपको पहली मेरी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं टमाटरों को बहुत सारे टमाटर जब मुझे सस्ते मिल जाते हैं, मैं इकट्ठा बहुत सारे टमाटर ख़रीद लेती हूँ और फिर इन्हें चॉप करके मैं पैकेट वाइज बनाकर इन्हें रख देती हूँ। तो मेरे एक पैकेट में तकरीबन 3 से 4 चॉप किए हुए टमेटोज़ होते हैं। सो मुझे फिर कुकिंग करते वक्त आसानी होती है। मुझे बस एक पैकेट निकालना होता है, उसे फ्रिज के बाहर आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र के बाहर रख दें, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और आप इस टमाटर ज़ाया भी नहीं होते और आपको दोबारा से काटने भी नहीं पड़ते। इसके अलावा हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 बड़ा चम्मच जिंजर पेस्ट है, अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। इसके अलावा 1 टीस्पून के करीब ये साबुत ज़ीरा है। और जो ड्राई मसाले हैं वो कुछ यूँ हैं, नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी 1 बड़ा पिंच, ये लाल मिर्चों का पाउडर है हसबे ज़रूरत आप ले सकते हैं,
ये ज़ीरा ये सॉरी धनिए का पाउडर है, पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है। मैं भूनती घर में ही हूँ ज़ीरे को, तो ये ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर है। इसके अलावा ये चीज़ आपको अमेज़ करेगी कि ये है एक चिकन क्यूब। इसके अलावा मैंने एक चिकन क्यूब डाली है। इससे मसूर की दाल या जो काली दाल आप पका रहे हैं उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताती हुई चलूँ कि आप अगर मसूर की दाल, ये देखिए जी मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये सारे कटे हुए प्याज। हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सुर्ख नहीं करना, हमें इसको जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आए तो हमें उसमें दूसरी चीज़ें डालनी है। इसको मीडियम आंच पे चलाते हुए आप इसको फ्राई कर लें। ये मेरा अदरक लहसुन भी अब भून चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ सारे सूखे मसाले। मैं चिकन क्यूब इस वक्त नहीं डालूंगी, मैं चिकन क्यूब बाद में डालूंगी जब मैं टमाटर डालकर उसको गला लूंगी, उससे पहले मैं चिकन क्यूब नहीं डालूंगी। ये मेरे सारे, इसके अलावा सारे ड्राई मसाले जो हैं वो जा चुके हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से फ्राई करूंगी। मसालों को जितना आप भूनेंगे अच्छे से उतना ही आपका खाना बहुत ही जायकेदार बनेगा। उसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स डालने के बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और यकीन करें आपकी पूरे यू नो फैमिली में वाह वाह होगी। आप एक सादी सी दाल बना लें, अगर आपने अच्छी बनाई है, मसाले को अच्छे से भुना है और मसाले की मिकदार खाने में बिल्कुल सही डाली है, तो यकीन करें आपकी डिश बहुत ही यमी बनकर निकलेगी। मैंने थोड़ा फ्लेम हाई कर लिया है क्योंकि मैं इसे कॉन्स्टेंटली चलाते हुए पका रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ चलाते हुए मुस्तकिल। अगर आप लोग साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं या दूसरे चूल्हे पे आप लोगों ने कुछ और चढ़ाया हुआ है और आप उसे भी देखना चाह रहे हैं, तो फिर मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप फ्लेम लो रखें और इसको थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहें। अब मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, जैसे आप देख सकते हैं इसने साइडों में तेल भी छोड़ दिया है। अब आती है बारी टमाटरों की। अब मैं डाल रही हूँ ये सारे चार टमाटर जो मैंने चॉप किए हुए रखे थे बारीक। अगर आप चॉप करके टमाटरों को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप वो वैसे रखते हैं ना, तो यकीन जाने आपके टमाटर इतने जल्दी गलते हैं कि आपको 2 से 3 मिनट एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट आपको फ्राई करना है और आपके टमाटर गल जाएंगे बिल्कुल, और इतने अच्छे से गलते हैं कि पता ही नहीं चलता डिश में क्या आपने टमाटर डाले थे या नहीं, उनके छिलके भी नहीं आते मुंह में। ये देखें मैंने हार्डली 2 मिनट चलाया है और मेरे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं वो एक चिकन क्यूब थी वो मैं डाल दूंगी और मैं इसे भी अच्छे से भूनूंगी।
अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये सारा मसाला है वो इतने अच्छे से भुन जाए कि ये टमाटर तो वैसे ही गल चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आए और मेरा मसाला बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। इसलिए मैं इसे थोड़ा और पकाऊंगी और मैं इस दफ़ा कुकर का लिड लगाकर इसे पकाऊंगी। मैं विसल नहीं लगाऊंगी, मैं ये विसल निकाल रही हूँ। मैं सिर्फ इसके ऊपर हल्का सा लिड रख दूंगी और मैं इसे एक मिनट के करीब ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे मेरे मसाले सारे आपस में अच्छे से मिल जाएंगे और इनमें बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। ये देखिए, एक मिनट हो चुका है और मसाले में बबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। अच्छे से मसाला मेरा भुन चुका है और साइडों से भी हल्का हल्का तेल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें अपनी काली दाल या मसूर डाल दूंगी और फिर मैं मसूर को भी एक दो मिनट इसी तेल में, इसी मसाले में फ्राई करूंगी, इससे पहले कि मैं इसमें पानी डालूं। ये देखें, मैंने मसूरों को फ्राई कर लिया है अच्छे से। चलाते हुए मैंने मसूरों को भी अच्छे से मसाले में फ्राई कर दिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें पानी डाल दूंगी और फिर कुकर का लिड बंद करके इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब इसे कुकर पे लिड बंद करके सीटी लगा लूँगी। एटलीस्ट मुझे 4 से 5 सीटियाँ चाहिए इसमें। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया एक बोल, दो बोल, ये 3 बोल के करीब मैंने इसमें पूरा 3 बोल के करीब पानी डाला हुआ है इसमें। अब मैं कुकर की लिड बंद कर रही हूँ और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए। ये मैंने कुकर की लिड बंद कर दी है, मैंने विसल लगा दी है और मैं अब इसे 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि मसूरों की क्या शक्ल आई है। और इसके बाद हमें इसका एक तड़का बनाना होगा, उसकी भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स बताऊंगी। जी हमें ये देखिए, यहाँ हमारी डिश को पकते हुए 20 मिनट्स के करीब हो चुके हैं और मैं अब ये कुकर खोल रही हूँ आपके सामने। ये देखिए जी, मसूर की दाल बिल्कुल गल चुकी है और ये एकदम तैयार है। अब सिर्फ इसके लिए एक तड़का तैयार करना है। इसे रख देते हैं हम साइड पे
और तब तक हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ इस तरह से है। घी एक चम्मच के करीब, इसके अलावा बारीक प्याज है, ये ऑलरेडी ब्राउन की हुई है, सुर्ख प्याज है, मैंने इसे पहले से ही तल के रखा हुआ था। मैं जब मेरे पास टाइम होता है मैं 2-3 प्याज तल के फ्राई करके इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके ठंडा करके इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फिर मुझे दोबारा ये चीज़ें करनी ना पड़े। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें और 2 अदद छोटी हरी मिर्चें जो मैंने काट ली हैं। बड़ी मिर्चों को मैंने सिर्फ और सिर्फ स्लेट किया हुआ है बीच से और छोटी मिर्चों को मैंने बारीक काटा हुआ है। ये छोटी मिर्चें मेरे खुद के घर की उगाई हुई हैं, सो ये मुझे इस्तेमाल करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 से 8 पत्ते कड़ी पत्ते के, ये तकरीबन 6 से 8 के करीब पत्ते हैं कड़ी पत्ते के, जिनको मैंने धो के स्टिक पे से पत्तों को अलग कर दिया है, ये भी मेरे अपने घर की हैं। चलिए हम तड़का तैयार करते हैं। मैंने 1 चम्मच के करीब पैन में तड़का घी डाल दिया है और जैसे ही घी पिघल जाएगा मैं उसमें बारी बारी ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। इसके अलावा तड़के बहुत सारे तरीक़ों के बनते हैं, आप चाहें तो इसमें ज़ीरा ऐड कर सकते हैं, चाहे तो छोटी जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो ऐड कर सकते हैं, अदरक लहसुन बारीक काट के वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने अदरक लहसुन ऑलरेडी डाला हुआ है दाल में, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन इस्तेमाल करना चाहिए दाल में ऊपर से भी, फिर वो जायका इसका वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ आप ये करी पत्ते और मैं इन्हें फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ये फ्राई होने लगेंगे थोड़े थोड़े, इस ये देखिए फ्राई होने लगे हैं, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मैं इसमें मिर्चें डाल दूँगी। मैं तकरीबन कड़ी पत्तों को अराउंड आधे मिनट के करीब फ्राई करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये आधे मिनट के करीब हो चुका है इन्हें फ्राई होते हुए करी पत्तों को और ये अच्छे से इनमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी मिर्चें, ये बड़ी वाली 2 मिर्चें और ये छोटी 2 मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं, इन्हें भी मैं डाल दूंगी इस तड़के में। हरा तड़का बहुत यमी लगता है दालों के ऊपर, स्पेशली दालों के साथ, सो आप कोशिश करके तड़का जब भी करें दालों के लिए तो कोशिश करें हरा तड़का हो, यानी हरी चीज़ें हों इसमें, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, मिर्चें हो गई, धनिया हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है दाल आपका, या कोई भी दाल हो, चाहे माश हो, काली दाल हो, चने की दाल हो। चने की दाल में ऑब्वियसली आपको अदरक भी थोड़ी डालनी लाजमी होती है, उससे चने की दाल का जायका इन्हेंस हो जाता है। ठीक है जी, ये देखें मेरी मिर्चें हल्के से फ्राई होनी शुरू हो गई है। आई विश आप लोग
इस वक्त खुशबू ले पाते हैं। मेरे किचन में इतनी माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरे पास जो फ्राई की हुई प्याज है वो मैं डाल दूंगी। ये तकरीबन मैंने 2 चम्मच के करीब ली थी, 2 बड़े चम्मच। अब मैं इसे हल्का सा सौटे कर दूंगी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता नहीं सकती, मेरे किचन में इतनी माशाल्लाह 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 इतनी अच्छी खुशबू से मेरा किचन महक रहा है इस वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं। काश कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें हम खुशबुएं भी व्यूअर्स को बता सके कैसी होती है वो खुशबुओं का। क्या कहूँ मैं, खुशबुएं सूंघ सके, बस यही कहूँगी। अच्छा जी, ये मेरा तड़का तैयार है। अब मैं इसे डाल दूँगी दाल में। इस वक्त मेरा दाल का चूल्हा बिल्कुल बंद है। मैं तड़का दाल डालने के बाद दाल का चूल्हा ऑन कर दूँगी फ्लेम उसकी, और तकरीबन 2 मिनट दम पे छोड़ दूँगी इसे, और फिर मैं डिश आउट करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर लिया अपना चूल्हा और मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम दे दूंगी, और दम देने के बाद मैं आपको बताती हूँ डिश आउट करके। जी जनाब, अब 2 डिशेस के बाद बारी आती है, 1 घंटे के अंदर अंदर 2 डिशेस के बाद बारी आती है कुछ रायते की। आज मैं आपको एक मज़ेदार सा रायता बनाना सिखाऊंगी, वो भी सूखी हुई पुदीने की पत्तियां और धनिए से। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब भी धनिया पुदीना लाती हूँ, पुदीना खैर मैं लाती नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुदीना मेरे खुद के किचन गार्डन में उगता है तो मैं वहीं से तोड़ लाती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। लेकिन लेटली मैंने ये करना शुरू किया है कि मैं धनिया और पुदीना उनको अच्छी मिकदार में तोड़ लेती हूँ, इनको अच्छे से धो के टावल ड्राई करके इनको रूम में पंखे के नीचे 2 दिन तक सुखाने रख देती हूँ। मैं धूप में नहीं रखती कि वो बिल्कुल काले ना हो जाए, मैं रूम में रखती हूँ इनको कोई जाली वगैरह से ढक के, ताकि कोई चीज़ ना उन पे इस पे बैठ सके और ना ही वो कोई डर्ट कैच कर सके। और फिर 2 दिन के बाद इनको टिश्यू में रैप करके मैं फ्रिज में 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये हो जाता है मेरे धनिए पुदीने सूख के तैयार। अब जब मुझे यूज़ करना होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे बस शीशे की जार में मैं जब सेव करके रख देती हूँ उन्हें, थोड़े से पत्ते निकाले, उसको क्रश किया और फटाफट से रायता तैयार। या आपने ग्रीन टी में डालना है तो भी जायके में कोई फ़र्क नहीं आता, जायका बिल्कुल फ्रेश मिंट या धनिया जैसा ही आता है। ये मेरी आजमूदा सी ट्रिक है और टिप है, ज़रूर आजमा के देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग भी होगी और आपका धनिया पुदीना अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो वेस्ट भी नहीं होगा, और इस तरह आप हर चीज़ में टाइम भी सेव कर सकेंगे और रेडिली अवेलेबल होगा ये आपके घर में। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसे आपको पता है कोरोना का सीज़न चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते और ज़ाहिर बात है बाहर निकलना इतना सेफ नहीं होता, तो इट्स बेस्ट कि आप एक बार गए धनिया पुदीना खरीद लिया और उसको एक्स्ट्रा यूज़ जो करने के बाद बच जाता है उसको ऐसे ही फ्रिज में छोड़ने के बदले मेरी ये ट्रिक आजमा के देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 अदद हरी मिर्चें, 3 जवे लहसुन के और 1 छोटी चम्मच ज़ीरे की। ये साबुत ज़ीरा है जो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने धनिया पुदीना लिया हुआ है, ये दोनों
एक बड़े चम्मच के करीब है। एक बड़ा चम्मच धनिया, एक बड़ा चम्मच पुदीना है। इन दोनों को मैंने काट के पत्तों को धनिए की पत्तियों को धनिए की काट के धो के अच्छे से सुखा के मैंने ड्राई कर दिया। और पुदीने की जो पत्तियां हैं उनको सिर्फ तोड़ा, उनको धोया और फिर इन्हें ड्राई कर दिया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा लेमन जूस, तकरीबन एक छोटी चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत, और ये है दही, और ये है 3 बड़े चम्मच के करीब। पुदीना, हरी मिर्चें, ये मेरे किचन गार्डन की हैं। दही मैंने अपना खुद घर में जमाया हुआ है। अब ये जितना भी मसाला है इसे आपने पीस के ग्राइंडर में पीस लेना है। इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ अगर आप एक चम्मच नींबू डाल देते हैं इसके साथ तो ये आसानी से पीस जाएगा। ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब मैं जा रही हूँ इन मिर्चियों को चॉप करके, छोटी छोटी चॉप करूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटूँगी, 2-3 बस टुकड़े कर दूँगी इसमें से। इसी तरह लहसुन के साथ करूँगी। मुझे धनिया पुदीना काटने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कटा हुआ, ड्राइड और धोया हुआ है, तो मैं इसको इसी तरह यूज़ करूँगी। ज़ीरा इसी तरह यूज़ करूँगी और साथ में नींबू का थोड़ा सा जूस डाल दूँगी। मैं अब मिक्सी में इसे ग्राइंड करके आपको बताती हूँ ये नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे इसके। देखिए जी, मैं ये पेस्ट बना कर ले आई हूँ। मैंने इसको सिर्फ ग्राइंड कर दिया था ग्राइंडर में। एक चम्मच टीस्पून के करीब नींबू का जूस डाला था इसमें, और मैंने इसको फिर ग्राइंडर में मिक्सी में अच्छे से चला लिया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये करना है कि हमने दही लेनी है, इसको मिक्स करना है अच्छे से दही को। ये दही मेरी मिक्स हो गई है, बिल्कुल बीट हो चुकी है। इसमें अब ये डालूंगी मैं पेस्ट। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था अब मैं वो डाल दूंगी इसमें। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब पेस्ट बन के तैयार हो गया है इतने में, और ये मैं पेस्ट डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखें हमारा गाढ़ा सा रायता, चटपटा सा मज़ेदार सा रायता बिल्कुल तैयार है। और कितनी मिनट लगी? मुश्किल से 5 मिनट लगी होगी जिसमें ये तैयार हो गया होगा। अगर आपने इंग्रेडिएंट्स मेरी तरह पहले से ही ऑलमोस्ट तैयार करके रखे हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखें, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड करूँगी नमक, तकरीबन 2 पिंच के करीब। और इसे मिक्स कर लें दोबारा से। ये देखें, ये हमारी दही, हमारा रायता बिल्कुल तैयार है। अब आप इसमें आप इसको समोसों के साथ इसे आप ये हमारा रायता जैसे आपने देखा बिल्कुल तैयार है। आप अभी इस रायते को किसी भी स्नैक के साथ, यानी समोसा हो गया, मैंने जो पोटैटो चीज़ बॉल्स बताया है थोड़ी देर पहले आपको, उसके साथ,
या आप इसे बिरयानी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कबाबों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और खूब खूब मज़े ले सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।